वो स्ट्रिंग के एक एंड पे हम लोगों ने एक मे बी पॉइंट मास कनेक्ट कर दिया एंड दूसरे एंड को हमने सोचा दैट हम उसे सर्कल का सेंटर बनाएंगे सो व्हेन दैट पॉइंट मास इज गोइंग टू परफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन द फिगर इज गोइंग टू अपीयर लाइक दिस पार्टीशन कर लेते हैं स्टूडेंट्स इसको अगर हम पार्टिकल को लोवेस्ट पोजिशन से टेंजेंशियल वेलॉसिटी देना स्टार्ट करेंगे सो द पार्टिकल इज गोइंग टू परफॉर्म वर्टिकल सर्क्यूलर मोशन इन एंटी क्लॉक वाइज डिरेक्शन लाइक दिस लेट मी कंसिडर ओ एज द सेंटर ऑफ द सर्कल ओके स्टूडेंट्स एक जनरलाइज पॉइंट पी हमें कंसीडर करना पड़ेगा ओके okay? एंड उस जनरलाइज पॉइंट पी पे स्टूडेंट्स आपका पॉइंट मास है फिलहाल सो इट्स वेट विल बी एक्टिंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डिरेक्शन फिर हमने सॉल्व किया तो हमें समझा दैट टेंशन इन द स्ट्रिंग टी इज एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल ओ अच्छा, so, क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता जो है है वो एंगल बना रहा स्टूडेंट विस्पेक्ट रेस्पेक्टिशन इफ आई एम नॉट रॉन्ग हमने उसको लास्ट टाइम ए नाम दिया था मिड वे को बी हाईस्ट पोजिशन को सी देन अगेन मिड वे पोजिशन डी सो फॉर अस स्टूडेंट्स A position A is like lowest position. Okay. And what about C students? It is like highest position. Yes, sir. It is highest position. And if it is B, it has to be midway position, students. It has to be midway position. Then D is again midway position.

कितने मिनिमम वेलोसिटी का रिक्वायरमेंट होगा वो कैलकुलेट कर लिया है ओके सो स्टूडेंट्स हेल्प मी ओवर हियर कैन आई से वेट जो है ना उसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं ओके सो वी कैन कॉम्पोनेंट ऑफ एम जी स्टूडेंट्स आई थिंक दिस विल बी एम जी कॉस थीटा स्टूडेंट्स बिकॉज ओवर हियर दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा ंगल है वो थीटा है यूजिंग करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट स्टूडेंट्स एम जी एंडा के बीच ऑब्वियसली जो एंगल है वो थीटा होगा ओके सो ना स्टूडेंट्स टी इज टेंशन ओके टी इज लाइक टेंशन स्टूडेंट्स सो इट इज एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल ओ एम जी कॉस थीटा इज एक्टिंग away from the center of the circle so t minus mg cos theta is providing the necessary centripetal force cpf so tension t ka general formula will be students cpf plus mg cos theta so tension t will be instead of centripetal force cpf students we can use

When you are talking about lowest position of the particle, velocity VL, L for lowest position. Velocity of the point mass at lowest position ka minimum value. Bacho, can I say it should be under root of 5 RG? Yes, students. Yadaya aap loko. Velocity at lowest position should be minimum under root of 5 RG. Students. Velocity of the particle, or you say velocity of the point mass at midway position, and for midway ka minimum value, it should be equals to root of three R G. Okay, and when the particle reaches C, okay, highest position that is velocity of the particle at highest position ka minimum value. should be equals to under root of Rg. Is that fine बच्चों किसी कोई problem तो नहीं हो रहा यहाँ पे. No. Okay, that's good. So students आपके पास tension का general formula है. Okay. एक बात अच्छे से clear हो जाए students. You have started from the lowest position.

वन एटी डिग्री यस बच्चो सो एट हाइस पोजिशन थीटा विल बी वन एटी डिग्री सो आपके पास टेंशन का जनरल फॉर्मूला है आपको ये भी पता है एट एवरी स्पेसिफिक लोकेशन थीटा का वैल्यू क्या होगा तो आपको टेंशन के अलग अलग वैल्यूज मिलेंगे वेलोसिटी का मिनिमम कितना वैल्यू होना चाहिए एट ईच एंड एवरी पोजिशन थ्री डिफरेंट पोजिशन राइट वो हमने ऑलरेडी रिवाइज कर लिया है अब हम टेंशन का वो काम करेंगे और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे स्टूडेंट्स। टेल मी स्टूडेंट्स। टेंशन का जनरल फॉर्मूला कैसा दिखता है थीटा। सो वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन लोवेस्ट पोजिशन सो टेंशन इन द स्ट्रिंग एट लोवेस्ट पोजिशन टी एल एम वी स्क्वाई आर आप थीटा को जीरो सब्सटिट्यूट करने वाले हो प्लस मजी इनटू कॉस ऑफ़ जीरो डिग्री विल गिव यू वन तो आप v को वी एल ले लो बेटा v को वी एल सर एल क्यों? बिकॉज़ इट इज़ अ लोवेस्ट पोजीशन ओके देन वी कैन डू फॉर मिडवे पोजीशन टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द पार्टिकल इज़ एट मिडवे पोज

जनरल फॉर्मूला यूज करके एट थ्री डिफरेंट लोकेशन लोवेस्ट पोजिशन मिड वे पोजिशन एंड हाइस्ट पोजिशन टेंशन का आपने फॉर्मूला डिटरमाइन कर लिया सुपर देन स्टूडेंट आप मुझे है ना क्रिटिकल वैल्यूज के बारे में बताएंगे क्रिटिकल वेलोसिटीज दैट रेफर्स टू मिनिमम वेलोसिटी जो आपके पार्टिकल के पास एट दैट पोजीशन कंपलसरी प्रेजेंट होना ही चाहिए अदरवाइज द स्ट्रिंग विल स्लैक दैट मींस द पार्टिकल विल बी अनेबल टू कंप्लीट दैट वर्टिकल सर्कुलर मोशन फॉर क्रिटिकल विल स्टार्ट विथ

स्ट ग्रेविटी रायसिटी सबसे ज्यादा अंडर रूट ऑफ फाइव आर जी मिड वे पोजिशन स्टूडेंट्स मिनिमम वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ थ्री आर जी हाईस्ट पोजिशन मिनिमम वेलोसिटी शुड भी अंडर रूट ऑफ आर जी एंड स्टूडेंट्स मिनिमम ऑफ टाइम बोल रहा था क्योंकि उससे ज्यादा वेलोसिटी होगा तो चलेगा आपका जो पार्टिकल है वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा बेटा कम होगा तो स्ट्रिंग आपका स्लैक कर जाएगा अच्छा सो so स्टूडेंट्स आपके पास टेंशन के फॉर्मुले प्रेजेंट है ओके okay. आपके पास क्रिटिकल वेलोसिटीज के वैल्यू भी है बहुत बढ़िया नाउ वी हैव टू डू वन थिंग स्टूडेंट्स वी हैव टू प्रूव समथिंग इंपोर्टेंट हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स ऐसा पूछा जा सकता है हमसे दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन एंड टेंशन एट लोवेस्ट पोजीशन या फिर आपको वो टेंशन का वैल्यू दे दिया जाएगा दे विल टेल यू दैट द डिफरेंस इन टेंशन इज सिक्स एम जी वेर एम इज मास ऑफ योर पॉइंट मास या फिर आप एम को मास ऑफ पार्टिकल बोल सकते हैं तो भी चलेगा सो आई एम टेलिंग यू दिस वे स्टूडेंट्स टेंशन मेरी बात सुनिए आप अच्छे से बच्चों टेंशन ओके एट लोवेस्ट पोजीशन माइनस टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन विल गिव यू 6 एमजी स्टूडेंट्स दिस इज लाइक प्रूफ नंबर वन आज के लेक्चर का प्रूफ नंबर वन वी आर गोइंग टू प्रूव दिस टेंशन एट लोवेस्ट पोजीशन माइनस टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन इज 6 एमजी देन एक बार अगर आप इसको अच्छे से कर पाते हो स्टूडेंट्स सेकंड प्रूफ शुड बी Tension at lowest position minus tension at midway position is equals to three mg. And the third proof is students, we have to prove that tension at midway position minus tension at highest position should be three mg. By the way, first one is six mg, second one is three mg. So I think third one should be highly predictable, na Three mg hi hoga okay so we can do one thing students proof tension at lowest position minus tension at highest position is equals to 6mg isko hume abhi proof karna hai, students let's start with that we know students tension at lowest position ka formula tension at highest position ka formula right so you do that way tl minus th beta tl minus ts what is tl एम वी एल स्क्वाय आर प्लस एम जी ओके आफ्टर दैट दर इज अगेटिव साइन बच्चो टी एच टेंशन एट हाइस्ट पोजिशन का जनरल फॉर्मूला एम एच स्क्ट आप ओपन कर सकते हैं स्टूडेंट यू आर गेटिंग एम वी एल स्क्स एम जी माइनस एम वी एच स्क्वायर बाय आर

Yes, this this looks fine. Plus plus students, tell me, mg plus mg will give us MG. So guys, this has to be m by r into VL square. square? what is VL square? अब हमें ये प्रूफ करना है, वो भी इजीली करना है तो हम क्रिटिकल वैल्यू के साथ काम कर रहे हैं बच्चों अगर आप पहला वाला क्रिटिकल वैल्यू कंसीडर कर रहे हो

आपको मिलने वाला है फोर एम जी प्लस टू एम जी ओके सो दिल ऑब्वियसली गिव यू सिक्स एम जी सो दिस इज वन ऑफ द प्रूफ स्टूडेंट जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको कैलकुलेट देंशन बिटवीन दाइए या फिर फॉर्मूला दे देंगे बच्चों आपको बोलेंगे आदर वे दे कैन आस्क यू एक प्रूफ था बच्चों किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना बच्चो इसमें फॉलो किया आपने अच्छे से 6 मज़ी वाला पॉइंट मतलब हम सेकंड कर सकते हैं अभी सेकंड प्रूफ़ टीएल माइनस टीएम स्टूडेंट्स टेंशन एट लोवेस्ट पोजीशन माइनस टेंशन एट मीडवे शुड बी इक्वल्स तू 3 मज़ी चलिए प्रूफ़ के साथ काम करते हैं स्टूडेंट्स प्रूफ़ सो टेल मी स्टूडेंट्स टेंशन एट लोवेस्ट टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन कैसे नो सॉरी हाईएस्ट नहीं लेना इस बार टेंशन मिडवे पोजीशन ओके ये कैसे लोगे बेटा टेंशन एट लोवेस्ट पोजीशन मतलब इट विल बी एम वी एल स्क्वायर बाय आर बच्चों ओके एम वी एल स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी माइनस मिडवे पोजीशन पोजिशन हाउ मच इज द टेंशन बेटा एम वी एम बाय आर सिंप्लीफाई करिए स्टूडेंट्स सो दिस हैज टू बी m बाय आर यू कैन टेक कॉमन इनसाइड द ब्रैकेट इट इज वी एल स्क्वायर माइनस वी एम स्क्वायर ओके प्लस एम जी विल रिमेन एज इट इज टोटल करिए स्टूडेंट्स सो दिस इज m बाय आर मल्टीप्लाइड बाय वी एल स्क्वायर स्टूडेंट्स वेलोसिटी लोवेस्ट पोजिशन क्रिटिकल वैल्यू बताइए रूट स्क्वायर करिए रूट फाइव आर का स्क्वायर बेटा विल गिव यू फाइव आर माइनस वी स्क्वायर वेलोसिटी मिडवे क्रिटिकल वैल्यू रूट थ्री आर स्क्वायर करिए एज पर द फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ थ्री आर का स्क्वायर विल गिव यू थ्री आर ओके प्लस एम जी एज इट इज सो स्टूडेंट्स नाउ दिस विल गिव यू एम बाय मल्टीप्लाइड बाय फाइव आर जी थ्री आर जी सो दू आर जी प्लस एम जी आर हो जाएगा कैंसल बेटा सो टू एम जी प्लस एम जी विल गिव यू थ्री एम जी ये आपको मिल गया थ्री एम जीदर प्रूफ इज दर एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट इन दिस थर्ड प्रूफ स्टार्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स मतलब हम लोग अभी वी हैव टू प्रूव दैट स्टूडेंट्स टेंशन इन द स्ट्रिंग एट मिडवे पोजीशन माइनस हाईएस्ट पोजीशन इज इक्वल्स टू थ्री एमजी जी ओके सो वी कैन डू दैट प्रूव स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड के साथ स्टार्ट करते हैं टेंशन मिडवे माइनस टेंशन हाईएस्ट पोजीशन शॉर्ट में ऐसे बोल सकते हैं बच्चों टेंशन कितना होता है एम वी एम ब्रैकेट प्लीज कंपल्सरी टी एच टी एच इज एम वी एच स्क्वायर बाय आर माइनस एम जी सॉल्व करिए स्टूडेंट्स साहब सो दिस इज एम बाय आर यू कैन टेक कॉमन इनसाइड द ब्रैकेट इट इज वी एम स्क्वायर माइनस ऑफ वी एच स्क्वाइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा एम जी रिमेन्स एज इट इज ओके सो दिस बी एम बाय आर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर स्टूडेंट्स क्रिटिकल वेलोसिटी बताइए ना मुझे मिडवे पोजीशन कितना होता है रूट थ्री आर जी स्क्वायर करिए एज पर दमुलाटिंग थ्री आर जी माइनस वी एच स्क्र

पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है ओके वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है वो उससे ज्यादा हो सकता है यस सो नाउ वी आर गोइंग टू डू वन थिंग स्टूडेंट्स हम लोगों के पास क्रिटिकल वेलोसिटी तो है तो क्यों ना हम अभी एक्चुअल वेलोसिटी डिटरमाइन करें स्टूडेंट्स एक्चुअल वेलोसिटी ओके सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स फॉर योर एक्सप्लेनेशन वी कैन कंसीडर दिस एज अ नोट बच्चों नोट ओके वी आर गोइंग डेराइव अ जनरल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ओके इसके प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट हम आपके साथ शेयर करेंगे पहले आप ये डायग्राम देखिए स्टूडेंट्स। वी आर कंसीडरिंग दैट पार्टिकल इज परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन लेट्स से इन दिस मैनर लाइक एंटी क्लॉक डिरेक्शन स्टूडेंट ठीक है So, अब आपको सबसे पहले क्या करना है आपको बेटा पार्टीशन करना है ये लीजिए वन टू एंड देन टू मोर फाइन सो एंटीक्लॉकवाइज हो गया बराबर से यस सो स्टूडेंट आई एम कंसिडरिंगलर बेटा उसका मुझे इनिशियल वेलोसिटी बच्चों हम यू वैक्टर कंसिडर कर रहे हैं सो वॉट वी कैन डू नाव वी कैन कंसिडर दैट ओ इज देंटर फॉर वर्टिकल सर्क्यूलर मोशन बच्चों O is the center for vertical circular motion. Okay, so एक angle consider कर लेते हैं बच्चों theta. Now students, what I am planning is that मैं ये right angle triangle complete कर लेता हूँ. Over here, obviously the angle is 90 degree. Okay, so आप चाहे तो हम इसे नाम दे सकते हैं. This is O, M, and I think in general हम point को P लेते हैं. Yes. So students, ओपी ओपीज रेडियस ऑफ द सर्कल आर एंड स्टूडेंट्स बताया था याद है इट इज कंसिडर्ड एज लेंथ दिंगल सर्क्यूलर मोशन है ये बात में समझ रहा हूँ बट एक्चुअली दिस इज स्ट्रिंग का लेंथ तो कुछ कुछ ट्यूटर यहाँ पे एल लिखवाते हैं स्टूडेंट्स तो आप अगर कोई और रेफरेंस बुक कर रहे हो तो वहां पे आपको एल भी देखने मिल सकता है मेंटली प्रिपेयर रहिएगा okay now my question is students can i say distance om can i say that distance om is actually r times of cos theta bachcho follow kiya apne dekhiye isko om okay now the side which is adjacent to theta will be in terms of cos theta so om will be bachcho r cos theta right so If I am asking you, students, let's say the initial position is uh, maybe A. Okay, A. Lowest position, initial position is A. So, students, I can say like this when my particle, which is performing vertical circular motion, is traveling from A to P, A to P, its velocity ka magnitude.

so when my particle which is performing vertical circular motion travels from travels from position a to position p travels from position a to position p the vertical displacement is h okay yes sir yes yes so, sir, so h is r into 1 minus cos theta yes sir yes sir एच विल बी आर इंटू वन माइनसा सो स्टूडेंट्स एक काम कर लेते हैं यस yes, सर मुझे लगता है Very smart. Yes. Yes. Students, ये देखिए ये आप है ना ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर हमने प्लान किया था ओके okay. हमने प्लान किया था हम एच डिटरमाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ एच हम फॉर्मुला लिखेंगे स्टूडेंट्स सो एच विल बी टोटल डिस्टेंस विच इज ओ ए बच्चो इट इज ओ ए थोड़ा मैं स्टेप वाइज करूंगा सिद्धांत प्लीज कॉपरेट दियर ओके ओके बच्चो देखिये आप एच 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 ओके इज इक्वल डिस्टेंस ओ ए माइनस द रिमेनिंग डिस्टेंस विच इज ओ एम सो वी है टोटल डिस्टेंस इज एक्चुअली रेडियस फॉर रेडियस फॉर सर्कुलर मोशन दट इज आर माइनस वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन मैं रिकमेंड करता हूँ बच्चों को कि आप इसे डिरेक्टली न्यूमेरिकल में यूज करें डोंट गो फॉर सॉल्विंग एन और स्पेशली न्यूमेरिकल में एच विल बी आर मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस कॉस थीटा सो so, हमारा प्लान क्या था स्टूडेंट्स याद है आपको हमने आपसे कहा था हम फाइनल वेलोसिटी डिटरमाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी सो वी आर गोइंग टू यूज थर्ड काइनामेटिकल इक्वेशन दैट इज माय हिंट फॉर यू बच्चों थर्ड काइनामेटिकल के अच्छा पूरा लिखना पड़ेगा फिर नोट्स में आपको शायद प्रॉब्लम हो सकता है लेट मी डू दैट यूजिंग स्टूडेंट्स थर्ड पहले हम जनरल फॉर्मूला लिख लेते हैं बच्चो वी इज़ इक्वल टू यू प्लस टू ए एस हमारे फाइनल वेलोसिटी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है प्लस टू स्टूडेंट्स ए इज एक्चुअली एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी When particle students is traveling from position A to position P, actually particle is traveling in the direction opposite to that of gravity. So A should be replaced. Minus g. Minus g. Yes, sir. It is minus g and s, which is like displacement, vertical displacement. So vertical height, that is h, bichu. So we are getting now v square is equals to u square minus.

रूट थ्री आर जी मिड वे रूट फाइव आर जी वो वेलोसिटी क्रिटिकल वो भी थी थे बट वो क्रिटिकल दिख रहा है माइनर प्रॉब्लम बाकी सब तो ठीक है वी कैल्कुलेट करने के लिए आपको यू पता होना चाहिए यू शुड नो दैल्यू ऑफ यू टू कैलकुलेट फाइनल वेलोसिटी वी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू यू का पता होना चाहिए रही बात थीटा की तो वो तो आप मैनेज कर ही लेंगे स्टूडेंट्स, ओके? सो वी एट लोवेस्ट पोजीशन चाहिए स्टूडेंट्स एट लोवेस्ट पोजीशन, थीटा विल बी जीरो डिग्री सो वेलोसिटी एट लोवेस्ट पोजिशन क्या होगा बच्चों इट इज अंडर रूट ऑफ यू स्क्वाइनस जीरो स्टूडेंट्स बिकॉज मुझे ब्रैकेट में नजर आ रहा है वन माइनस कॉस थीटा थीटा इज जीरोस सर जीरो वन यस सर सो स्टूडेंट्स ब्रैकेट में देखा अपने वन माइनस वन जीरो हो गया सो फाइनली वी आर गेटिंग यू वी एल यस सर वी एल इज अंडर रूट ऑफ यू स्क्र दैट इज यू परफेक्ट और बच्चों सही भी है क्योंकि आप अगर लोवेस्ट पोजीशन पे है तो लोवेस्ट पोजीशन पे आप वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को यू कंसिडर कर रहे हैं सो so ये सिर्फ मुझे चेक करवाना था कि फॉर्मूला एकदम सही है बच्चों आप देख लीजिए क्रॉस चेक कर लीजिए अब मिडवे पोजीशन पे आते हैं स्टूडेंट्स मिडवे मिडवे पोजीशन थीटा विल बी डिग्री परफेक्ट सर थीटा विल बी 90 डिग्री सो स्टूडेंट्स वी विल बी अंडर रूट ऑफ टू जी आर ब्रैकेट वाला टर्म देखिए स्टूडेंट वन माइनस इज नाइंटी डिग्री डिग्री एंटायर ब्रैकेट जो है ना बेटा वन माइनस कॉस थीटा वो वन हो गया सो दिस इज वेलोसिटी मिड वे स्टूडेंट्स वेलोसिटी मिड वे रूट ऑफ यू स्क्र माइनस टू जी आर देन वी फोकस एड

So, आपको वी मिल जाएगा वी दैट इज वेलोसिटी एट हाइएस्ट पोजिशन वी राइट इज अंडर रूट ऑफ यू स्क्स टू टूज जी आर ये लीजिए स्टूडेंट्स आपको वी एच मिल गया वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन मिल चुका एक्चुअल वैल्यू अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस फोर जी ओके So, ये नोट स्टूडेंट्स मैंने आपको आ, ये एक्सप्लेन करने के लिए बताया है दैट हमने जो तीन क्रिटिकल वेलोसिटी डिटरमाइन किए थे दैट मे नॉट बी द एक्चुअल आर पोजेस्ड वैल्यूज ऑफ बच्चों मिनिमम वेलोसिटीज मिनिमम वेलोसिटी दैट्स व्हाई हमने नाम भी ऐसा ही दिया था उसे क्रिटिकल वेलोसिटी और ये जो हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे थे ना नोट ये वाले करंट व्हाइट बोर्ड पे दो आर द एक्चुअल वेलोसिटी के मैग्निट्यू जो पार्टिकल के पास प्रेजेंट होगा एट एनी पोजिशन बट इसका एक ड्रॉबैक आप जानते हो ना स्टूडेंट्स अगर आपको यू पता है तो ही आप आगे काम कर सकते हो ओके okay? uh, एक काम हो सकता है स्टूडेंट्स इफ यू आर इंटरेस्टेड इन रिलेटिंग सम पोजिशन का वेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू लोवेस्ट पोजिशन का वेलॉसिटी अगर आप फॉर्मूला देखो ना बेटा मैंने थर्ड कॉलम में ना फर्स्ट कॉलम में आपको डायग्राम दिखेगा सेकेंड में, मैंने ब्लू से लिखा है ना वी इज फाइनल वेलोसिटी ओके एंड राइट हैंड साइड में जो यू है, okay? right है ना बेटा यू दैट इज इनिशियल वेलोसिटी और हमने खुद सॉल्व करके देखा बेटा यू इज वी एल मतलब पोजिशन तो अगर कोई ऐसा न्यूमेरिकल आता है स्टूडेंट्स जिसमें आपको किसी पोजीशन के वेलोसिटी को कंपेयर करना रहा विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी एट द लोस्ट पोजिशन बी द बेस्ट दूला स्टूडेंट्स बच्चों आप समझे मैंने क्या कहा या मैं सॉल्व करके दिखाऊ लगता है नहीं समझे ये बच्चे स्टूडेंट्स ये देखिए मैं आपको नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए आप देखिए इसको आपको अभी अभी एक जनरल फॉर्मूला मिला v का ओके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी v फाइनल वेलोसिटी v इज अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 2gh देन आपने h को क्या लिखा स्टूडेंट्स l या फिर आपने r लिया था राइट रेडियस r 1 cos थीटा ओके अब

now if there is a numerical at pehle main aapko first case bata deta hu beta first case first case okay if if we are uh, substituting theta is equals to 90 degree okay that means hum midway pe focus kar rahe hai so agar aapko numerical mein velocity at midway position and velocity at lowest position ka koi data diya na beta तो आप इसे ऑब्वियसली यूज कर सकते हो इफ थीटा इज इक्वल्स टू वन एटी डिग्री बच्चों सो आपका पार्टिकल मतलब आप हाईएस्ट पोजीशन से कंपेयर करना चाहते हो ओके okay? सो so अगर आपको डेटा में दिया है स्टूडेंट्स वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी एट लोवेस्ट पोजीशन का रिलेशन सो दिस कैन बी द बेस्ट पॉसिबल फॉर्मुला वी इज अंडर रूट ऑफ VL square minus 2GR into 1 minus cos theta. Students, I have a viva question now. ये जो मैंने formula आपको बताया बेटा V is under root of VL square minus 2GR the whole into 1 minus cos theta. Is it actual formula or is it that critical velocity, guys? Tell me. Let's see.

नीचे देखिए क्रिटिकल वेलोसिटी दोज आर द मिनिमम वेलोसिटी के वैल्यू स्टूडेंट्स अभी अभी जो हमने आपको सेपरेटली नोट लिखवाया नॉलेज के लिए एंड न्यूमेरिकल्स के लिए ठीक है दैट इज द फॉर्मूला फॉर एक्चुअल वेलोसिटी परफेक्ट आंसर डी वो क्रिटिकल वेलोसिटी नहीं है क्रिटिकल तो ऑलरेडी भी है उस बच्चों अभी जो सामने आपको दिख रहा है वो एक्चुअल है एक्चुअल 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 ओके नाउ आई थिंक

हर पोजीशन पे चेंज हो रहा था और चेंज होना ही चाहिए बिकॉज़ इट इज गवर्नड एक्सक्लूसिवली बाय ग्रेविटी कोई हमने एक्सटर्नल मशीनरी यहाँ कनेक्ट नहीं किया था जो नेचुरली होता है वही हमने पढ़ा मतलब नाउ नॉन यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन में स्टूडेंट्स स्ट्रिंग के बाद स्ट्रिंग हमने पढ़ा स्ट्रिंग पे हमने एक पॉइंट मास ट्राई किया उस पॉइंट मास के पास से हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कराया नाउ द सेकंड टास्क के स्टूडेंट्स बट द फैक्ट इज ये हमें सिर्फ नोट समझना है स्टूडेंट्स ओके एक्चुअल डेरिवेशन इज नॉट एक्सपेक्टेड द नोट इज स्टूडेंट्स वी आर नाउ गोइंग टू टाई अ बॉब दैट इज अगेन अ पॉइंट मास ओके किसके साथ सर तो आप है ना स्टूडेंट्स आप एक रॉड कंसीडर करिए ये लीजिए ये आपने एक रॉड कंसीडर किया स्टूडेंट्स रॉड का जो बेस है ये लीजिए स्टूडेंट्स वहां पे आप क्या कर रहे हैं सेकेंड हां ये देखिए बच्चों रॉड का जो बेस है ओवर दैर यू आर कनेक्टिंग अ पॉइंट मास ओवर हियर वी कैन कंसीडर दिस एज बॉब बच्चों आपके सिंपल पेंडुलम में कैसा होता है बेटा बिल्कुल वैसा ओके सो बॉब को हमने एक एंड पे टाई किया पॉइंट मास इट इज रिजिट अब करना क्या है स्टूडेंट ये जो बॉब है इसके पास से यू आर एक्सपेक्टिंग

मैं कोई यहाँ पे क्रिटिकल कंडीशन की बात नहीं कर रहा हूँ स्ट्रिंग विल ऑलवेज बी नीडिंग सम टेंशन एट ऑल द पॉइंट्स बच्चों सो दैट जो स्ट्रिंग है वो पॉइंट मास के पास से वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सके बट इन केस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जिसमें हमने रिजिड एंड मासलेस एक रॉड कंसीडर किया है वहां पर टेंशन की कोई भी पॉइंट पे जरूरत नहीं है हर एक पोजिशन पे टेंशन स्टूडेंट वी आर नॉट रिक्वायरिंग एनी काइंड ऑफ टेंशन बच्चों अब ये तो हो गई कॉन्सेप्ट की बात द मेजर डिफरेंस बिटवीन दैट स्ट्रिंग वाला टास्क जो हमने परफॉर्म किया डिटेल में एंड दिस रॉड वाला टास्क ओके नाउ वॉट अबाउट द डिफरेंस इन फॉर्मूला बच्चो यहाँ पर आप क्या करिएगा आप सबसे पहले ऐसे सोचिएगा देंशन तो कहीं पे बेटा जरूरत है नहीं ओके सो वी कैन कंसिडर दैट जीरो स्पीड बच्चो जीरो स्पीड टेंशन कहीं पे प्रेजेंट नहीं है इनकेस ऑफ रॉड ना बेटा जीरो स्पीड इज पॉसिबल जीरो स्पीड इज पॉसिबल एट द अपर मोस्ट पॉइंट जब ही बॉब हाइएस्ट पोजिशन पे होगा स्टूडेंट एट द टाइम एक्चुअली जीरो स्पीड पॉसिबल है ये हो गया पॉइंट नंबर वन सो वॉट कैन बी दिनिम वेलोसिटी स्टूडेंट वेन द बॉब इज एट हाइएस्ट पोजिशन द आंसर इज जीरो प्लीज डू नॉट मी रूट आर जी स्ट्रिंग के लिए रूट आर जी था बच्चों यहाँ पे आप इसको विथ कॉन्फिडेंस जीरो स्टूडेंट वी कैन टॉक अबाउट हाइस्ट पोजिशन हो गया ठीक है आप मिडवे ले, ले लेते बेटा सो वेलॉसिटी मिड वे मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ टू आर जी देन नेक्स्ट वेलोसिटी स्टूडेंट्स वेलोसिटी जीरो हो गया मिनिमम वैल्यू मिड वे डन ना वी कैन टॉक अबाउट लोवेस्ट पोजिशन स्टूडेंट्स सो वी एल का मिनिमम वैल्यूलिम वैल्यू स्टूडेंट अंडर रूट ऑफ फोर आर जी एंड एट लास्ट स्टूडेंट्स आई शुड टेल यू द डिफरेंस बच्चो हाँ ये सेम रहेगा स्टूडेंट्स टेंशन 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 एट लोवेस्ट पोजिशन आपको बताने थे एंड एज पर माई नॉलेज स्टूडेंट्स गवर्नमेंट टेक्सट बुक में इसका प्रूफ नहीं दिया है तो इसका प्रूफ आपके एग्जामिनेशन में एक्सपेक्टेड नहीं है बट स्टिल मैं रिकमेंड करूंगा आप ये जो फॉर्मूले है ना स्टूडेंट एंड फॉर्मूले इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए लाइटली मत लीजिए इसे स्ट्रेट okay? फॉरवर्ड कोई एमसीक्यू तैयार किया जा सकता है सो यू शुड यू शुड बी इन दैट पोजिशन टू हैंडल दिस काइंड ऑफ थिंग्स ओके आई थिंक स्टूडेंट्स वर्टिकल सर्क्यूलर मोशन का हमने इतना डिस्कशन किया ओके नाउ टू गिव दिस फिनिशिंग टच मैं आपको ना स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल पे ले जाना चाहता हूं ओके सो वी आर गोइंग टू सॉल्व नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर एटीन क्वेश्चन नंबर आई विल टेक यू टू नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड, इट्स अ गुड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इट गोज लाइक दिस मोटरसाइकिलिस्ट एज अ पार्टिकल येस हम उसको पार्टिकल ही कंसिडर करके वैसे भी सॉल्व करते हैं राइट इज अंडर गोइंग वर्टिकल सर्कल्स इन साइड A sphere of death, the speed of the motorcycle, the speed of the motorcycle varies between 6 meter per second and 10 meter per second calculate diameter of the sphere Of death and how much minimum values are possible for.

सिक्स मीटर पर सेकेंड कहा सेकेंड आपको स्टूडेंट्स क्रिटिकल वेलोसिटीज जो हम आपको बता रहे थे क्या इसे इट इज रूट आर जी एट दाइएस्ट पोजिशन यस हाईएस्ट पोजीशन पे सबसे कम वेलोसिटी की जरूरत होगी ना बेटा लोवेस्ट पोजिशन पे सबसे ज्यादा वेलोसिटी चाहिए, 10 पर सेकेंड एंड वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन शुड बी 6 मीटर पर सेकेंड ओके आगे सुनते हैं रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट have यू calculate डायामीटर ऑफ द स्र ऑफ डेथ लेट मी कंसीडर दैट डायामीटर कंसिडर दट देन, हाउ मच मिनिमम वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर दीज टू स्पीड्स, ओके स्टूडेंट्स वेलोसिटी एट लोवेस्ट पोजीशन, मिनिमम वैल्यू क्रिटिकल वेलोसिटी पूछ रहे बेटा आपसे मिनिमम कितना होना चाहिए राइट हाउ मच मिनिमम वैल्यूज आर पॉसिबल आप लोगों को वेलोसिटी एट लोवेस्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन का एक्चुअल वैल्यू दिया हुआ है आई रिपीट एक्चुअल वैल्यू दिया है ओके okay? रिक्वायरमेंट देख लो बेटा आप मिनिमम वैल्यू फिर आपसे डिमांड किया जा रहा है सो वी कैन डू वन थिंग, वी कैन स्टार्ट विद स्टूडेंट्स दैट जनरल फॉर्मूला आई थिंक यू कैन हेल्प बच्चो जनरल फॉर्मूला क्या बताया था हमने आपको वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू माइनस टू जी एच बच्चो या फिर एक काम करिए यहाँ पे वैसे भी आप स्क्वायर ही करने वाले हो तो पहले से ही आप विदाउट स्क्वायर रूट लिख लो बेटा v square is equals to u square minus two g h v square is equals to u square बच्चों minus two g h and h is r into 1 minus cos theta let me repeat that students r is radius for that vertical circle कुछ कुछ tutors वहाँ l मतलब length तो और string भी लिखते हैं आपको दोनों पता होना चाहिए so now students क्या मैं ऐसा कह सकता हूं इस फॉर्मूला के हिसाब से मुझे लोवेस्ट पोजीशन एंड हाईएस्ट पोजीशन को कंपेयर करना है सो फॉर हाईएस्ट पोजीशन फॉर स्टूडेंट्स थोड़ा हम स्टेप वाइज कर रहे हैं इसको राइट फॉर स्टूडेंट्स हाईएस्ट पोजीशन द वैल्यू ऑफ थीटा शुड बी 180 डिग्री सो वी स्क्वायर इज लाइक वेलोसिटी एट हाइएस्ट पोजिशन बेटा वी एच

सॉल्व करिए आप इसको आगे सो वी एच स्क्वल टू वी एल डिफरेंस आपको मिल चुका है difference, difference, difference. आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स वी एल स्क् माइनस वी एच स्क्वेर इज इक्वल टू फोर जी आर बच्चों इज इक्वल्स टू फोर जी आर ये देखिए बच्चों तो एक अच्छा सा आपको रिलेशन मिल गया बिटवीन वेलोसिटी एट लोवेस्ट पोजिशन हाईएस्ट पोजिशन नाउ स्टूडेंट इज अभी अभी हमने आपको जनरल फॉर्मूला बताया सही है अगर भाई चांस आप जनरल फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं अगर आप क्रिटिकल वेलोसिटी यूज करेंगे ना बेटा तो लोवेस्ट पोजीशन पे रूट फाइव आर जी का स्क्वाइट right? वाले का स्क्वायर करिए बट माइंड यू विल रिमेन द सेम ओके ही बात हो रही है so, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे ना जिनको जनरल फॉर्मूला पता ही नहीं है वो बच्चे क्रिटिकल वैल्यूज के साथ भी काम कर सकते माइंड यू डिफरेंस सेम रहेगा बच्चो डिफरेंस कहा मैंने एक्चुअल वैल्यूज क्रिटिकल वेलोसिटी एट लोवेस्ट पोजिशन

6 square. So that will give you 4 into small g students. Acceleration due to gravity. You are going to consider it 10. 10 meter per second square into r. r is radius. You don't know the value. Keep it as it is. So 10 square, 100. 6 square, 36. 100 minus 36 will give you 64 beta. So left hand side, you are getting 64.

डायान बी टेकन एज टू टाइम्स ऑफ रेडियस सो देर फोर आई कैन से डाया बच्चों फर्स्ट टास्क हैज बिन परफॉर्मड ओके डी हो गया स्टूडेंट डायामी मिल गया नेक्स्ट टास्क हमें क्रिटिकल वेलोसिटीज डिटरमाइन करना है आई थिंक अब काम बहुत सिंपल है बच्चों आप जैसे अच्छे बच्चों के लिए क्योंकि आपके पास क्रिटिकल वेलोसिटी का रेडीमेड फॉर्मूला है राइट सो वी विल स्टार्ट विद दिस वी एल मिनिमम दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी एट लोवेस्ट पोजीशन स्टूडेंट्स हाउ मच इज दैट इट इज अंडर रूट ऑफ 5 आर जी चलेगा बच्चों आपको अंडर रूट ऑफ 5 आर जी so that can be taken as under root of 5 into r बच्चों r so बच्चो, so बच्चो. या फिर ऐसे नहीं लिखना तो आप ऐसे लिखिए रूट ऑफ स्टूडेंट्स फाइव इंटू 16 सिक्स इंटू टेन गिव यू स्टूडेंट्स मल्टीप्लीकेशन so, okay? है बच्चो प्लीज मुझे करके बता दीजिए ना स्टूडेंट्स सो वी विल बी गेटिंगलॉसिटी एट द लोवेस्ट पोजिशन मिल जाएगा बताइए बच्चो हाँ बेटा बताइए एट पॉइंट शुड हाई डू इट फॉर यू बेटा शुड हाई डू दैट इफ देर इज एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम मैं कर लू एट पॉइंट नाइन फोर फोर ओके सर 8.944. Thank you sir. So it has to be in terms of meter per second. Okay, looks right. So students hame mil chuka hai Yes, VL minimum is equals to 8.944. 8.944 meter per second. अच्छा. अब VL minimum हो गया. Now the next task is. बच्चों आप खुद देखिए ना

we need one more critical velocity v h minimum bachcho we need v h minimum v h minimum it should be students tell me students highest position what is the critical velocity minimum kitna hona chahiye under root of r g students okay so that will give you under root of r r radius of the track 1.6 meter into g is 10.

आपने खुद देखा ना बेटा जो एक्चुअल वेलोसिटी स्टंटमैन का है एट एनी पोजीशन वो क्रिटिकल से ज्यादा है एंड दैट इज द रीजन वो सक्सेसफुली वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर पा रहे हैं ओके वी कैन मूव अहेड नाउ स्टूडेंट्स वी कैन सॉल्व अनदर क्वेश्चन नाउ न्यूमेरिकल मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें है ना एक पेज पे सॉल्यूशन शायद नहीं आएगा तो मैं रिकमेंड करूंगा आप ये क्वेश्चन प्लीज मेरे साथ साथ लिखे समथिंग एक्स्ट्रा फॉर यू ओके वन मोर न्यूमेरिकल दैट इज बेस्ड अपॉन वर्टिकल सर्क्यूलर मोशन बिकॉज आई बिकॉज़ आई डोंट थिंक सो दैट वो सिंगल न्यूमेरिकल सफिश था कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के लिए ठीक है बट वी नीड वन मोर ओके सो अ स्टोन ऑफ मास टू किलोग्राम टाइड टू अ लाइट इन एक्सटेंसिबल

ऑफ रेडियस थ्री पॉइंट सिक्स मीटर ओके अब ये तो ऑब्वियस है फिर भी दिया है स्टेटमेंट में ठीक है लिख लेते इन अ वर्टिकल प्लेन ओके इन अ वर्टिकल प्लेन धैन धन इफ द रेसो Of the maximum tension in the string to the minimum tension is three then determine the speed of the stone at the highest point of the circle take g is equals to ten meter per second square at k so, students.

Radius during circular motion. This is happening in a vertical plane again. If the ratio of maximum tension in the string to that of minimum tension in the string is equals to 3, the ratio is 3, then we have to determine the speed of the stone at the तो आप ऐसे लिख लीजिए ना बच्चों प्लीज जैसा मैंने रिकमेंड किया था मेरे साथ में रही है आई एम मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन मास ऑफ द स्टोन मास ऑफ द पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्क्यूलर मोशन इज टू किलोग्राम रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर और यू से इट इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वॉट एवर इज कन्वीनियंट फॉर यू यू कैन कंसिडर दैट सो दू थ्री पॉइंट सिक्स मीटर नाउन वर्टिकल मोशन ये डेटा में इफ यू वॉन्ट आप अपने रेफरेंस के लिए लिख सकते हैं दैट ओवर हीयर वी आर फोकसिंग ऑन वर्टिकल सर्क्यूलर मोशन ओके Now maximum tension students T max okay maximum tension divided by minimum tension T minimum the ratio is 3 or you say 3 is to 1 maximum tension divided by minimum tension is 3 is to 1 and then uh, determine students the speed of the stone okay fine so GBDI data 10 meter per second square. स्टूडेंट्स विक्वायरमेंट टेलमी प्लीजना है ना आपको क्वेश्चन मार्क लिखू बेटा लेट्स ही आप विजुअलाइज कर पा रहे कि नहीं कैसे दिया क्या दिया क्वेश्चन

टेंशन मैक्सिमम डिवाइडेड बाय टेंशन मिनिमम इज थ्री टू वन बच्चों आप जानते हैं ना हाईएस्ट पोजीशन पे टेंशन मिनिमम होता है सो so, डिनोमिनेटर में जहाँ टी मिनिमम है मैं टी एच ले लेता हूँ एंड लुक एट दूमिनेटर टी मैक्स मैक्सिमम टेंशन कहाँ होता है बेटा एट द लोवेस्ट पोजिशन ड्यूरिंग वर्टिकल सर्क्यूलर मोशन लोवेस्ट पोजिशन पे क्या होगा

इफ यू वॉन्ट यू कैन रिमेम्बर इट दैट में आगे आपकी मर्जी सो so, आपको स्ट्राइक हुआ होगा स्टूडेंट दमें टेंशन के साथ ही स्टार्ट करना पड़ेगा इसको लेटमी स्टूडेंट टेलमी टेंशन मैक्सिमम ओके डिवाइडेड बाय टेंशन मिनिमम आप कैसे डिटरमाइन करोगे इसका मतलब टेंशन मैक्सिमम कहां लोवेस्ट पोजीशन डिवाइड बाय टेंशन मिनिमम कहां हाईएस्ट पोजीशन ओके सो स्टूडेंट्स टेल मी टेंशन एट लोवेस्ट पोजीशन आप कैसे डिटरमाइन करते हो एम वी एल स्क्वायर बाय आर एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस जी इज दैट फाइन बच्चों डिवाइड बाय टी एच टी एच टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन जो मिनिमम टेंशन होगा बिकॉज इन बिटवीन द फॉर्मूला बच्चों आपको नेगेटिव साइन मिलने वाला है तो फॉर्मूला कैसा नजर आएगा एम वी एच माइनस एम जी ओके स्टूडेंट्स आई थिंक यू कैन डू सम सिंपल अलबरा नाउ इट लाइक दिस एम वी एल स्क्वायर प्लस आर एम जी द होल डिवाइड बाय आर स्टूडेंट्स द होल ओवर एम वी एच स्क्वेर माइनस आर एम जी द होल ओवर आर सो स्टूडेंट चलिए आर आर को कैंसिल कर लेते हैं ओके okay? एंड अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो अभी टोटल फोर टर्म्स आर पेंडिंग न्यूमिनेटर में दो डिनोमिनेटर में दो उसमें भी हमें मास कॉमन नजर आ रहा है सब में सो वी कैन से लाइक दिस देयरफॉर टेंशन मैक्सिमम अपॉन टेंशन मिनिमम

क्योंकि आगे हम बढ़ ही नहीं सकते ना वी एल है ना वी एच का वैल्यू है और ना ही स्टूडेंट्स आपके पास दोनों के बीच जो डिफरेंस है उसका वैल्यू है या कोई रिलेशन भी नहीं है सो वी कैन डू वन थिंग स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ दैट कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकल सर्क्यूलर मोशन ओवर हियर बेसिक नॉलेज विल हेल्प अस स्टूडेंट्स कैन आई सिलेक्ट दिस वेन पार्टिकल विल ट्रेवल फ्रॉम लोवेस्ट पोजिशन अप टू हाईएस्ट पोजिशन In that vertical circle, potential energy will keep on increasing. Kinetic energy will keep on decreasing, yes. But there is some kind of energy which will remain constant. Which energy is that, Bacho? Total energy it is. So now I am going to use in front of you, students, law.

इक्वेशन वन में आपको वी एल वी एच दिख रहा है एल फॉर लोवेस्ट पोजिशन एच फॉर हाईएस्ट सो वॉट वी आर गोइंग टू डू टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट पोजिशन स्टूडेंट्स एंड टोटल एनर्जी एट हाइएस्ट पोजिशन वी आर गोइंग टू इक्वेट नाउ टोटल एनर्जी लोवेस्ट पोजिशन टोटल एनर्जी हाइएस्ट पोजिशन विल बी द सेम एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टोटल एनर्जी स्प्लिट कर लीजिए right ली आप पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी लेफ्ट हैंड साइड लोवेस्ट लोवेस्ट पोजिशन राइट हैंड साइड देखिए ना बेटा टोटल एनर्जी एट हाइएस्ट पोजिशन स्प्लिट कर लीजिए आप टोटल एनर्जी को इट विल बी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कहाँ की बात हो रही है हाइएस्ट पोजिशन हाइएस्ट पोजिशन बच्चों रेफरेंस के लिए ना मैं एक सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ नॉट द एक्चुअल डायग्राम सिंपल स्टूडेंट्स ये लीजिए ओके okay? अब आप ये सोचिए हाईएस्ट पोजीशन पे लोवेस्ट पोजीशन पे क्या होगा एट लोवेस्ट पोजीशन स्टूडेंट्स लोवेस्ट पोजीशन हम जानते हैं दैट पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो बिकॉज़ आप कंपैरिजन वहीं से स्टार्ट कर रहे हो है देन

पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक फॉर्मूलाइट बिटाइटर दिसमेंट कनाई से टू टाइम्स ऑफ रेडियस प्लीज चेक बच्चो एच एंड एल के बीच जो डिस्टेंस है विच इज एक्चुअली डायामी ऑफ द सर्कल विच इज टू टाइम्स ऑफ आर फॉर श्योर यस ये देखिए टू आर एंड वट यू कैन कमेंट काइनेटिक एनर्जी बेटा वैल्यू पता है नहीं सो जस्ट यूलाइए ऑल दो इंडिविजुअल फोर वैल्यूज प्रेजेंट है अभी कर रहे हैं हम पोटेंशियल एनर्जी एट लोवेस्ट पोजिशन इज सीरो

फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके टू टू फोर कर, तू, कर लीजिए ठीक है सो यूलस वी एच स्क्ट सो फोर टाइम्स ऑफ आर जी बच्चों ये ठीक है मास कैंसल कर दिया मी रिमाइंड यू दैट दोनों साइड से यू कंसीडर दिस ओके सो स्टूडेंट्स वी एल वी एच का वैल्यू नहीं दिया था इंडिविजुअल ना कोई रिलेशन दिया था तो आपने रिलेशन ढूंढ लिया ना बेटा अब आप इक्वेशन वन को डेफिनेटली यूज कर सकते हो मैं एक काम कर लेता हूँ बेटा मैं इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेता हूँ आपका रिक्वायरमेंट क्या है बच्चों आई थिंक जस्ट अ सेकेंड डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द स्टोन एट द दाइएस्ट पोजिशन राइट सो हाइएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड uh, है बच्चों दैट इज वी एच

divide by now look at equation number 1 right hand side ka denominator you are getting vh square minus rg solve kariye students aap aage so you are getting 3 divided by 1 is equals to vh square right plus 4 rg plus rg that will give you 5 rg so this whole should be divided by vh square minus rg आर यू फॉलोइंग दिस बेटा मैं आगे बढ़ू थ्री बाई वन स्टूडेंट देखिए कहां तक पहुंचेड बाई वी एच स्क्वायर माइनस आर जी नाव आई थिंक देडियस तो दिया है बच्चों क्वेश्चन में स्मॉल जी आप टेन लेने वाले हैं डेटा में ये भी दिया है सो आई थिंक वी एच आपको मिल जाना चाहिए ओके okay? So, हम तक पहुंचे स्टूडेंट वी गॉट दिस एक्सप्रेशन थ्री बाई वन थ्री बाई वन इज इक्वल शुड बी डिवाइडेड बाई वी एच स्क्वेर माइनस आर जी लेटमी कन्फर्म बच्चो गिव मी फ्यू सेकेंड्स थ्री बाई वन वी एच स्क्वायर है ओके प्लस माइनस यस सर थैंक यू

सो वी आर गेटिंग थ्री बाय वन बच्चों ये लीजिए आपको मिल गया थ्री बाय वन लेफ्ट हैंड साइड थ्री बाय वन अभी हाँ जी बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना साथ में करेंगे एंड आप मेरे यस सर यस सर yes, yes, हम लोग इनिशियली कंपोनेंट और डिविडेंड नहीं कर सकते थे आप फर्स्ट स्टेप के बाद में की बात कर रहे हो सर हाँ सर ओके वाज इट पॉसिबल ऊपर आप प्लस करोगे नीचे यस 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 सर यू कैन डू दैट चलेगा मुझे ऐसा ऐसा क्यों पता नहीं ऐसा लग रहा है कि दोनों से शायद सेम लगेगा dear. हाँ, सर, सेम लगेगा Because वो नहीं दिया है हाँ, और, और वो सेम टर्म नहीं है ना हाँ वो बेटा कैंसिल नहीं होगा कैंसिल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा हाँ। हाँ। सो एक काम करता है स्टूडेंट यस mm, yes. अभी चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने का सही टाइम है सो थ्री टाइम्स ऑफ वी एच स्क्वा minus 3 into 36 will give you 108 that is equals to vh square plus 180 so students 3 vh square minus vh square will give you 180 plus 108 okay this looks very simple for you now but 2 times of vh square will give you 280 and then 288 yes So V H square will be 288 two eighty eight divided by. Yes, just well. Yes, sir. Perfect answer. So students, you are getting V H square as one forty four square root. Take it. So you are getting V H is equals to twelve. So the velocity at highest position should be twelve meter per second. And let me remind you guys, this is not that critical wala part. Okay? Ye actual velocity hai.

So, students, today we are winding up over here. I hope you enjoyed this session, right? Yes, thank you. Yes, thank you. Bye, students. Bye, sir.